हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स फॉर फॉर मॉडिफिकेशन टोहाना में आपका स्वागत है। आज हमने किया सोनेट के अंदर ड्यूल चैनल यूनिट इंस्टॉल किया है, जिसे आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई ये बहुत ज़्यादा इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपको किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय एक 10 नंबर का चाबी चाहिए आपको, कि जो आपको यहाँ पे प्लस का इसका पावर इसको करना है। इसको आप नीचे वाला बोल्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर एक नया और लगा सकते हैं, ताकि जो है आपकी गाड़ी की सप्लाई है डिस्टर्ब ना हो। ऊपर अलग से लगा सकते हैं ऐसे। सिर्फ आपको इसके लिए एक टूल चाहिए, बाकी कहीं भी आपको कोई टूल नहीं चाहिए। आपने इंजन कवर रिमूव करना है ऊपर से, इसका जो ऊपर होता है इसको टैपेट कवर भी बोल देते हैं, इसको रिमूव करना है आपने। रेल प्रेशर का सेंसर का जो कपलर है उसको यहाँ से हटाना है। ये है एक्चुअल में जो कंपनी का आता है, ये वाला आपने इसको हटाया, इसको मेल फीमेल किया, क्योंकि ये दोनों सॉकेट ऐसे हैं कि वो गलत नहीं लगेंगे। और दूसरा जो आपने यहाँ इंस्टॉल करना है मैप सेंसर में, ये दोनों को इंस्टॉल कर दिया, मेल फीमेल कर दिया, यहाँ से आपने इसको पावर दे दी और ये आपका यूनिट स्टार्ट हो गया। आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो ये जो रेड लाइट आ रही है परमानेंट, इसका मतलब है कि इसके अंदर पावर आ गई है। और जो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, ये आपको बता रही है कि ये कौन से मैप के अंदर। और यहाँ इसके ऊपर मेंशन भी किया होता है ब्लिंक्स, अगर आप इसको स्टॉक में रखते हैं तो ये आपको एक ब्लिंक देगी, अगर आपको इसको इकोनॉमिकल मोड में रखते हैं तो ये आपको दो ब्लिंक देगी, अगर आप इसको पावर वन मोड पर रखते हैं तो ये आपको तीन ब्लिंक देगी, अगर आप इसको हाई परफॉर्मेंस पर रखते हैं तो ये P2 पे देगी। अभी हम चेक करते हैं तो ये हमें दे रहा है एक ब्लिंक। एक ब्लिंक का मतलब है यहाँ पर स्टॉक, तो अभी गाड़ी आपकी स्टॉक में है। अब जब हम इसको इस रिमोट से, ये जो इसके साथ इसका स्विच भी है, इसका बटन भी है, ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड रिमोट है इसका, और जब आप इसको इससे मोड चेंज करेंगे, आप P2 में डालेंगे, तो जो इसके काउंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, अभी ये फोर्थ मोड में चला गया है। फोर ब्लिंक्स हाई परफॉर्मेंस P2। नॉर्मली आप इसको P1 पे रख सकते हैं, जब कभी भी आप अप हिल्स जाते हैं तो आप Power 2 हाई एंड मैप यूज़ कर सकते हैं। ये है इसके साथ ही रिकवरी किट, कभी भी आपके इस प्रॉब्लम आ जाए ECU के अंदर तो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह पे, और इसको आप रिपेयर करवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। ये आता है 2 ईयर वारंटी के साथ, और आपकी गाड़ी की जो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।